हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। बच्चों पहले तो स्वागत आप सबका, स्वागत वेलकम। देखो मैं 2015 से जो मेरा सफर स्टार्ट हुआ था ना, किसका, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन का, वो बेटा आ गया मेरे पास अब 2021 पार्ट 3। अब आपको ज्यादा पार्ट देखने को मिलेंगे, बिकॉज 2017 तक 18 तक ना बहुत कम क्वेश्चन आते थे, वो 20 से 25 से मैक्सिमम 30 क्वेश्चन, बट उसके बाद 40, 42, 43 ऐसे 38 ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो गए, और लेवल भी बहुत डिफरेंट था। पहले के लेवल की अगर मैं बात करूं, बहुत आसान क्वेश्चन आता कंपैरेटिवली, बट अब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो क्या आपको भी उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी? जी हाँ, 2023 के बाद मुझे बोलना पड़ेगा कि अब तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो काम नहीं हो सकता कि अब 2 से 3 महीने लगे और आपका काम हो गया, नहीं भाई, 2-3 महीने में तो बेटा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये सारा हो जाएगा, ये बताइए आप मुझे, इट इज नॉट पॉसिबल। बट अगर आप ये सोचें कि आप रेगुलर लगे रहें थोड़ा थोड़ा करके, देखो मैं आपको इतना बड़ा परांठा देता हूं भाई, है या इतनी बड़ी थाली देता हूं, एकदम से तो नहीं खाओगे ना, ये बस वही है, ये इतनी बड़ी थाली आपको सारी खानी है, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे खाएंगे, यही काम है बस, यही सी सेट की तैयारी, जिसने समझ ली वो बच्चे का उसका बेड़ा पार है, कि आपको धीरे 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 जैसे बच्चा ग्रो अप होता है ना, आपको ऐसे सी सेट की तैयारी करनी पड़ेगी, डे बाय डे नया सीखना पड़ेगा, डे बाय डे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। एक बच्चा गिरता है, उसको आप 2 बार उठाओगे, 3 बार उठाओगे, एक दिन उसको खुद उठना है, क्योंकि लाइफ के चैलेंजेस को आप जब तक फेस नहीं करोगे आप उनको पार नहीं कर सकते बच्चों, क्लियर। सो प्लीज इस लेक्चर को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ खास है, यहाँ पे कुछ मजेदार है, ठीक है। और पी स्क्वायर फॉर्मूला याद है? नहीं याद, अभी सुनाऊंगा, मैं दिखाऊंगा आपको अच्छे से, क्लियर। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक बताऊं, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, अभी तैयारी शुरू कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा लेट है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा जल्दी है, जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, ऑलमोस्ट नंबर सिस्टम भी खत्म होने वाला उनका, ठीक है, जो बच्चे कर चुके हैं उनके लिए तो भैया सब कुछ ही आसान हो जाएगा, बट जो बच्चे अब तैयारी करने की सोच रहे हैं, नहीं करिए, उनके लिए आगे की जनवरी के बाद डिफिकल्ट हो जाएगा काम। इट इज अ राइट टाइम टू ज्वाइन दैट बैच। कौन सा बैच, अगर नहीं पता मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर रुकिए मेरे पास, देखिए द बैच विच प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन अबाउट सीसेट। क्या है मेरे पास, देखिए टाइमिंग जो बैच की मेरी चल रही है बेटा, वो है मेरी 3 से लेकर 4:30, क्लियर। ये हफ्ते में 4 दिन रहता है आपके पास बैच, ठीक है। टोटल लेक्चर आपके पास 180+ है, 90 लेक्चर आपके पास किस में रहेंगे, 50 क्वांट के लेक्चर है, 25 लॉजिकल के, और 15 इसमें आपके डेडिकेटेड इंग्लिश के लेक्चर है, जो फोकस्ड ऑन 2024 के आपके एग्जाम को लेते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो इसके अंदर, देखो ये आपके पास ऑनलाइन प्लस, आपके पास ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच है। इसमें क्या है, ये 90 लेक्चर तो आपको मिलने वाले हैं मेरे साथ लाइव इस बैच के अंदर, इसको छोड़ के जो आपको डेटा रिकॉर्डेड बैच में मिल रहा है, अब ये सोचो 180+, इसके बाद आपको करने की जरूरत है, आई डोंट थिंक सो, इसके बाद कुछ करने की जरूरत है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर से लेक्चर आपको 15 मिल रहे हैं बेटा, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने मिल रहे हैं 50+, लाइव मेंटरशिप सेशन कितने मिल रहे हैं आपको 30+, ये ऑलरेडी आपके बैच के अंदर प्री रिकॉर्डेड पड़े होंगे, क्लियर। तो ये पहले से ही है, और ये 90 लेक्चर ये जो है ये बहुत क्रूशियल लेक्चर हो सकते हैं आपके, क्लियर। देखिए इसको छोड़ के क्या मिल रहा है, अरे ये तो स्टार्टिंग है, सुनते जाओ आप बस, क्या क्या मिल रहा है आपको, आप बस देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। देखो इसके साथ क्या है, सबसे पहले मेरे को मिलेगा वीकली शेड्यूल, व्हाट इज वीकली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल का साफ साफ मतलब ये है कि मुझे वो चीज पता चलेगी जो आने वाले वीक में है, मतलब आपको ऑलरेडी पूरे एक हफ्ते के पता चल जाएंगे टॉपिक कौन कौन से करने हैं, क्लियर। उसके बाद जो आपको लेक्चर लगा मिलेगा पोर्टल पे, ठीक है, उसके साथ सबसे पहले क्या होगा आपके पास, लेक्चर पीडीएफ, क्या होगी बेटा लेक्चर पीडीएफ, नंबर 2 पे क्या होगा रिसोर्सेस, नंबर 3 पे क्या होगा प्रैक्टिस शीट, अब आप कहोगे सर प्रैक्टिस शीट तो ठीक है बट वो किस लेवल की होगी, क्या उसके अंदर इंक्लूड होगा, और व्हाट इज रिसोर्स चार्ट। देखो रिसोर्सेस मेरा वो पोर्शन है चैप्टर का जहां पे मेरे को कुछ फॉर्मूलाज मिल सकते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द चैप्टर, कुछ ऐसे एग्जांपल जो मेरे को चैप्टर को समझने में इजी करे, क्लियर। और प्रैक्टिस शीट क्या होगी, प्रैक्टिस शीट उन क्वेश्चंस की होगी जो मैंने क्लास में करवाए वैसे ही क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करवाए वो मैं प्रैक्टिस शीट में डालूंगा, गलत बात, क्लियर। इसके बाद जी हाँ, इसके बाद भी बहुत कुछ बचा, अभी आप देखते रहो क्या क्या मिल रहा है। इसके बाद फिर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में चाहूंगा ये
बात कि मुझे बताएं कि क्या इसके बाद आपको लगता है आपका सीसेट क्लियर नहीं होगा। मैं अभी बात करूंगा, दो दो तीन तीन हजार रुपए में भी कोर्स बेच रहे हैं यार, उसका फायदा क्या है? सब रिकॉर्डेड कोर्स बेचे जा रहे हैं, ले लो ले लो ले लो, बट वट अबाउट देयर प्रैक्टिस सेशंस, वट अबाउट देयर वीकली टेस्ट, वट अबाउट देयर वीडियो सॉल्यूशंस, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग बाय द सेम मेथड विच इज बींग स्टडीड इन द क्लासरूम। इसका मतलब क्या, देखो आपके पास फिर बेटा होता आपका वीकली टेस्ट, फिर क्या होता है वीकली टेस्ट जो आपको होता है 1 बजे पोर्टल पे लग जाता है। अगर किसी ने ऑफलाइन देना है तो हमारे मोहाली के सेंटर में आ सकते हैं, क्लियर? वीकली टेस्ट 1 बजे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके बाद क्या है मेरे पास वीकली टेस्ट के बाद क्या है, वीकली टेस्ट के बाद इसका मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। इसका क्या मिलेगा मुझे, वीडियो सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में, Why video solutions in Indeed? Because देखो अगर मैं आपको typed format या PDF format दे भी दूं, उसका क्या फायदा? क्योंकि उसके अंदर X, Y, Z से maximum solutions होंगे। But अगर video solution मिलेगा तो मुझे मेरे क्वेश्चनों के आंसर कैसे किस वे में मिल रहे हैं, जिस वे में मैंने क्लास में सीखे हुए हैं, तो वो जल्दी समझ आएगा, जल्दी आप उसको ग्रैप कर पाओगे, क्लियर? तो इट्स ऑल अबाउट दैट फैंटेस्टिक बैच, क्लियर? चलिए नेक्स्ट है मेरे पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप कनेक्ट, जो कि मेरे पास प्रोवाइड किया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज उसे भी अवेल कीजिए, डन? उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो 9517771651 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, और इस नंबर पर बच्चों आप व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी पूरी हेल्प करूंगा जितनी हो सकती है, क्लियर? चलिए 2021 का हम पेपर कर रहे हैं, उसका पार्ट 3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ 3 रेशियो पावर 2019 इज डिवाइडेड बाय 10, देन व्हाट इज द रिमाइंडर? देखो 3 की पावर 2019 को भाई 10 से डिवाइड करना है और अपने को बताना है कि रिमाइंडर क्या है। यही चीज बतानी है मुझे। मैं सिंपल सी एक बात करता हूं, अभी आप लोग कहोगे सर साइक्लिसिटी से चलें, नहीं अभी मत चलो साइक्लिसिटी, पहले इस क्वेश्चन की नॉलेज लीजिए। देखो 3 रेस टू पावर 1 बाय 10 ये कितना होगा, 3 बाय 10, यानी यहां से कितना बचेगा रिमाइंडर आपका 3। चलिए 3 के पावर 2 बाय 10 ये कितना होगा मेरे पास 9 बाय 10, यानी रिमाइंडर कितना बचा यहां से, ये रिमाइंडर है मेरे पास +9, क्लियर? नेक्स्ट देखिए 3 की पावर 3 बाय 10 यानी कितना 27 बाय 10, तो यहां से रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास +7, क्लियर? 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 ये कितना बचा मेरे पास 81 बाय 10, यानी कितना +1। अच्छा 3 की पावर 5 बाय 10 ये कितना 243 डिवाइडेड बाय 10, यानी यहां से कितना हो जाएगा +3। इसका मतलब जब आप किसी 3 की पावर को, जब पावर 1 है तो 3 रिमाइंडर, 2 है तो 9 रिमाइंडर, 3 का फैक्टर है तो 7 रिमाइंडर, 4 का फैक्टर है तो 1 रिमाइंडर, इसके बाद यही 3, 9 और आपका 7, 1 ये आपके पास पैरेलली घूमता रहेगा। मतलब ये ऐसे बनेगा, पहले 3 आ गया, फिर आपके पास आ गया 9, फिर आ गया 7 और यही एक साइकिल चलता रहेगा, क्लियर? तो ये कहां तक चलेगा, 4 की कौन सी पावर आ रही है, सही समझे आप, 2016 यानी 3 रेस 2016 × 3 की पावर 3, तो कितना बचा एक्चुअली मेरे पास, यहां से तो आपको पता है साइकिल खत्म हो गया, तो 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 यानी कितना हो गया 27 बाय 10, यानी आंसर इज +7, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो धमाकेदार क्वेश्चन था, रिमाइंडर करो का बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। प्लीज इसी बात पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों चैनल को। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास के मेरा क्या है। अब बायोलॉजी, अब बायोलॉजी क्लास एट अ हाई स्कूल प्रिडिक्ट दैट अ लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल विल डबल इन साइज एवरी ईयर। इफ पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2021 वाज एस्टिमेटेड टू बी 50 एनिमल्स, द पी रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द मोड ऑफ द क्लास फॉर द पॉपुलेशन। चलिए मैं एक बार इसके ऑप्शंस, मुझे लग रहा है शायद ऊपर नीचे है कुछ, मैं एक बार ऑप्शन चेक कर लूं। हाँ ये रेशो पर 12n है और ये क्या मेरे पास n/12 पावर में है, एक्चुअली 50 × 2 की पावर n/12, क्लियर? देखो सबसे पहली बात, मेरे पास जो p की फॉर्मेशन आ रही क्या आ रही है, p = 50 × 2 raised to power x, ठीक है? मतलब x क्या है मेरे पास, ये फॉर्म है जो x की, जैसे मुझे n और बेसिकली x, x को इन टर्म ऑफ n बताना है मुझे कितना है, क्लियर? देखो सबसे पहली बात,
अगर मेरे पास n इज इक्वल टू जीरो है, n मेरे पास क्या है, n मेरे पास है आफ्टर n ईयर्स, क्लियर। वो क्या कह रहा था, पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2021 वाज एस्टिमेटेड टू 50 एनिमल्स, इफ p रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, देन व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इक्वेट रिप्रेजेंट द मॉडल ऑफ क्लास ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। व्हेन n इज इक्वल टू जीरो मतलब अगर जीरो है तो p मेरे पास कितना दिए, 50 दिए, तो 50 इज इक्वल टू 50 इनटू 2 रेज़ टू पावर ऑफ x, तो बेटा ये कितना आ गया, 2 रेज़ टू, इसको काटूंगा 1 आएगा, 2 रेज़ पर 0 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x, x इज इक्वल टू 0, यहां से कुछ नहीं पता चल रहा अभी, ठीक है। चलो जब n मेरा 12 है, जब n मेरा 12 है तो पॉपुलेशन कितनी है मेरी, 100 है, मतलब डबल होगी, सो 100 इज इक्वल टू 50 इनटू ऑफ 2 रेज़ टू पावर ऑफ x, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, x1 आ गया। चलो जी यहां से भी कुछ स्पेसिफिकली नहीं है। अगर मेरा n इज इक्वल टू 24 है, n अगर मेरा 24 है तो ये 200 है, 200 इज इक्वल टू 50 इनटू 2 रेज़ टू पावर x, तो ये कितना आ गया 4, यानी 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो x यहां से कितना आ गया 2, क्लियर। अगर x देखो, x यहां पे 2 कब आएगा, x यहां पे अगर मैं बात करूं रिप्रेजेंट, x यहां पे 2 कब आएगा, जब n कितना होगा 24, तो डेफिनेटली मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, डेफिनेटली डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए छोटी सी इक्वेशन थी और ज्यादा कुछ इसमें था भी नहीं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स। देखिए भाई, अगर मैं कहूं कहीं पे 100% हमारे पास स्टूडेंट है, क्लियर, अगर हमारे पास कहीं पे 100% स्टूडेंट है, उस अंदर 60% क्या है मेरे पास, बॉयज है, और गर्ल्स कितनी है मेरे पास, इसने कह रहा है 50% 50 गर्ल्स है, अगर बॉयज 60 है तो 40 क्या हुई गर्ल्स, क्लियर। चलिए 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट है गर्ल्स, इसका 30% क्या है मेरे पास, सॉरी बॉयज नहीं, इंडियन है, ये फॉरनर है, 30% क्या है गर्ल्स, यानी 18 गर्ल्स हैं, और बॉयज कितने हैं मेरे पास फिर 42, क्लियर। अच्छा एक बात और, अगर यहां पे 42 बॉयज हैं तो डेफिनेटली 8 बॉयज यहां रहे होंगे, मुझे गर्ल्स की कुछ कंडीशन मिल रही है, दैट व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेनर स्टूडेंट आर बॉयज, तो भाई 8 स्टूडेंट फॉरेनर कितने 40, सो 1/5 कितना आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन, क्लियर। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमने अभी भी किया, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टूडेंट, अब मैं बात करूंगा उस हिस्से की जो बड़ा अनछुआ सा रहता है हमेशा, जिसे मैं बोलता हूँ माइक्रो वर्ल्ड, को बच्चे पूरे कोर्स की तरह भागते हैं, बट वो अगर उन टॉपिक्स को भी करना चाहे जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोई हर्ज थोड़ी ना उसमें, वो यही चीज है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो कोर्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं माइक्रो कोर्स। अब माइक्रो कोर्स क्या, मैं बता दूं, माइक्रो कोर्स मेरी वो एक दिवाली का पटाखा है जो फटता है तो फिर बहुत सारे रंग बिखरते हैं, लाइट आती है, मतलब आपके पास माइक्रो कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें फुल कोर्स ना खरीद के आपको सिर्फ वो बम चुनना है जो आपको चाहिए, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, आपका सिंपलीफिकेशन हो गया, और आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, जैसे अगर आपको सिर्फ इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन ही करना है तो कॉम्प्रिहेंशन ही लो ना यार, व्हाई यू हैव टू बाय अनदर, क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसको भी हम फिर से। चलिए मैं जैसे बात करूंगा विकिपीडिया, अभी जाएंगे wikipedia.com पे, तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, मुझे जाना है, देखिए एग्जाम करेंगे आपके पास आएगा सीरवी सर्विसेज सी सेट, क्लियर। चलिए जैसे आप यहाँ पे ओपन अप करेंगे, यहाँ सारे बेटा सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, यहाँ मिलेगा आपको वीडियो कोर्स, यहाँ मिलेगा आपका टेस्ट कोर्स, और यहाँ मिलेगा आपको माइक्रो कोर्सेज, और ये आ चुका है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको फुल कोर्स का लिंक, माइक्रो कोर्स का लिंक, तथा आपको साथ में मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बिल्कुल फ्री में। चलिए वो चलिए यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के कॉल में व्हाट्सएप इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं अपनी,
ठीक है, आप मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की सबसे पहले बात कर ले हम, जरा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लग रहा है ना, इसी चीज से तो डर लगता है। ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके, 35-40 क्वेश्चंस, तो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखिए पूरे बंडल की बात करें बेटा 3555 रुपए का, 3555। बट अगर सिर्फ हमें नंबर सिस्टम बाय करना है तो 324 रुपए 10 लेक्चर, 9 वेब नोट्स और 421 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम ले सकते हैं। क्लियर? और देखो इसमें आप पता क्या, जैसे बोलते ना दिवाली पे भैया एक पटाखा बजा के दिखाना, तो इसमें 6 मिनट का पटाखा दिया हुआ आपको, तो पटाखा देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरे पास सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्या है, 114 रुपए में है, आपके 4 लेक्चर से 1 वेब नोट्स और 117 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आपके प्रीवियस सारे क्वेश्चन है इसमें। 6 मिनट का आपको ट्रायल दिया गया, वेब नोट्स दिए हुए साथ में, ताकि आपको पता चले कि लेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें सारी इंपॉर्टेंट आपकी। ठीक है, डन। नेक्स्ट है बेटा मेरा परसेंटेज 167 रुपए का, 4 लेक्चर से 4 वेब नोट्स है, 277 मेरे पास इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। क्लियर? तो इसी तरीके से जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइम एंड डिस्टेंस होगा, आपका एवरेज, आपका नंबर सीरीज जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, आपका लाइन चार्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन 2D हो गया, आपका प्रॉब्लम एनर्जी एलसीएम एचसीएफ डाटा टेबल, डाटा सफिशियंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका मेंसुरेशन 3D देखो सिर्फ और सिर्फ 115 रुपए में, बार ग्राफ की बात करेंगे सिर्फ 146, प्रोबेबिलिटी 81, मिक्सर एंड एलिगेशन 122, पाई चार्ट, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के लिए अलग से चैप्टर है, बिकॉज इसका है तो टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही, बट इसका एक अलग सा टॉपिक बनता है, अलग सा इसका कॉन्सेप्ट बनता है। क्लियर? जैसे रिलेटिव वेलोसिटी और बोट एंड स्टीम हो गया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हैं। क्लियर? जैसे नेक्स्ट में बात करूंगा लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकेबिलिटी की, मेरे पास पूरा बंडल 2646 रुपए का स्टूडेंट। जैसे मैं बात करूं इसके अंदर क्या आता है, आपका पजल टेस्ट आएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट हर पेपर में पजल के क्वेश्चन आ रहे हैं, 245 रुपए का है, 17 लेक्चर है, 7 वेब नोट्स और 270 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे को। जैसे रैंकिंग एंड ऑर्डर, ऐसा भाई कौन सा आपका अभी तक 80% का पेपर है जिसमें रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन नहीं आया, हर बार पूछते हैं। क्लियर? कितने रुपए का भाई, सिर्फ 130 रुपए का, 1 वेब नोट से 6 लेक्चर से 204 एमसीक्यू, और यहाँ पे भी आपको एक 6 मिनट का ट्रायल हर चैप्टर के साथ है, कोई भी चैप्टर ले सकते हैं आप। क्लियर? जैसे क्यूब एंड डाइस, कोडिंग एंड डिकोडिंग होगा आपका, डाटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिकल, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, वेन डायग्राम हो गया आपका, ठीक है, वेन डायग्राम भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आजकल। क्लियर? जैसे सीटिंग अरेंजमेंट आपका, एनालॉजी आपका, मिसिंग करेक्टर हो गया, लॉजिकल अल्फाबेट्स हो गए आपके, वाटर मिरर इमेजेस हो गए, इसके कमी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स के भी कम देखने को मिलते हैं, हाँ अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब जैसे आपके वो होते हैं ना प्लस माइनस वाले की साइन इंटरचेंज करो जितना ऑल ओवर, या कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो भी अर्थमेटिक रीजनिंग है। क्लासिफिकेशन हो गया आपका, प्रीवियस ईयर पेपर्स के भी हैं, 3 लेक्चर 31 रुपीज में। क्लियर? ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, बेटा सिर्फ और सिर्फ 412 रुपए में, सिर्फ 412 रुपए में, और तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन, 20 के अराउंड आ ही रहे हैं क्वेश्चन इसमें, ठीक है, 100% सारा का सारा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। बट वर्ल्ड बिलिंग इंटरनेशनल उन्होंने क्यों दिया होगा, क्योंकि कई बार मेरे पास कुछ ऐसी पंक्तियां आ जाती है, कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो मुझे समझ ही नहीं आते, जिनका अर्थ मुझे नहीं पता, जिनका आंसर मुझे नहीं पता, वो आपका यहाँ पे कवर होगा, रूट वर्ड अच्छे से करवा रखे हैं। ठीक है, तो 53 रुपीज में 157 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास। क्लियर? और यहाँ पे 6 लेक्चर से आपके पास 1 वेब नोट्स और 968 ऑलमोस्ट 1000 के अराउंड आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर? अब अंत में बात करूं, ये बैच है जो आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डन। नेक्स्ट देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा भाई मेरे सुनहरे स्टूडेंट्स, मिसेस स्पर्श, अर्णव, जतीन, दिव्या, सृष्टि, वटामीर, नताशा, ये सब बच्चे भाई वो हैं जो दिल के पास हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ के गए हैं, जो हमेशा टीचर की आंखों के तारे की तरह रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चों क्लियर नहीं हो वो नहीं है, वो भी हैं, बट यार अधिकारी बन चुके हैं आप, इन्होंने शायद 1%, देखो मैं एक ही बात मानता हूं, जो बच्चा क्लियर कर गया जो नहीं क्लियर किया, 0.01% का फर्क होता है, सिर्फ महीन सी रेखा है, वो 0.01% जो बच्चा समझ गया वो उस रेखा को पार कर जाता है। ऐसी बात नहीं जिनका नहीं वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते, जुड़े हैं हमारे साथ, तो मैं बताऊंगा सीसेट की छोटी छोटी बारीकियां, जैसे हम पेपर के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर? तो इनके आप शब्द पढ़ सकते हैं सुनहरे, बिकॉज ये बन चुके हैं अधिकारी, IAS बन चुके हैं, तो इनके आप स्वर्णिम शब्द, गोल्डन के वर्ड्स आप पढ़ सकते हैं, एक एक शब्द इस समय इनकी मोती के बराबर है, इनके साइन की भी वैल्यू हो चुकी है। क्लियर? तो भाई अधिकारी बने तो हमें भी थोड़े शब्द बोलने दो इनके बारे में, बिकॉज इन्होंने कुछ अलग करके दिखाया। प्लीज, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। थैंक यू, और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू।